अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग टेस्टफुल टेबल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि घर पे वो बर्तन जो काले पड़ जाते हैं और जिसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है तो उसको कैसे साफ़ कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ से हम इसको साफ़ करेंगे जो कि तकरीबन हर किसी के घर में मौजूद होती हैं और सस्ती भी हैं, कोई इतनी जो है महंगी भी नहीं है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हार्पिक जो कि बाथरूम क्लीनर है और जिसे हम बाथरूम साफ़ करते हैं, टाइल्स वगैरह भी इससे साफ़ करते हैं या बेसन भी हम इससे साफ़ करते हैं। तो ये हर किसी के घर में मौजूद होता है और सस्ता भी है। इससे मैं साफ़ करूँगी ये चैनक या टी पॉट या जो भी आप इसको कहते हैं, चाय का बर्तन। तो इसको मैं ये इससे साफ़ करूँगी। अब इसके अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो है ये डिश वाशर स्पंज, मैं इसके लिए यूज़ करूँगी ये वाला। और अगर आपके पास कोई और भी घर में मौजूद हो तो उससे भी ये साफ़ हो सकता है। या फिर अगर आपके पास घर में ये मौजूद हो तो इससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यूज़ करूँगी ये डिश वाशर क्लीनर, मेरे पास ये मौजूद है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। आपके घर में जो भी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उससे ये साफ़ हो जाएगा। ये फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि अंदर से ये किस तरह है, और इनमें फिर आप देखेंगे कि ये किस तरह अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो पहले मैं इसमें डालूँगी हार्पिक, थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें। अब थोड़ा सा मैं इसमें जो डिश वाशर है वो मैं डालूँगी, डिश वाशर क्लीनर जो है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। अब स्पंज के ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कि ये बिल्कुल ही नया है मेरे पास, मैंने इसको पहले यूज़ नहीं किया तो ये सख्त सा है, इसलिए मैंने पहले पानी डाला है। और अगेन मैंने इसके ऊपर डिश वाशर क्लीनर डाला है और थोड़ा सा अगेन मैं फिर हार्पिक डाल रही हूँ। इसको तकरीबन आप एक मिनट के लिए सर से रख दें तो ये बिल्कुल सही तरीके से और आसानी से साफ हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये साफ़ हो गया है। देखिए आप, ये अंदर से हर जगह से किस तरह से सही आसानी से ये साफ़ हो गया है, और ऐसे लग रहा है जैसे हम अभी इसको नया ख़रीद कर घर लाए हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।